अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है? मेरे सब लोग खैर खैरियत के साथ होंगे। आपका भाई आ चुका है एक बार फिर से नई वीडियो के साथ वापस। तो आज हमारा शैसी मॉडिफिकेशन करवाने आए हुए थे, उसका पार्ट टू है। पार्ट वन हमने कल बनाया था, वो भी आप लोगों ने देख लिया होगा, नहीं देखा तो जाके देख लें। तो आज हम शैसी का काम वगैरह करवाने आए हैं। हमारे साथ राना असद मौजूद हैं और राना मलिक। पागल वागल हो गया, सॉरी सॉरी, मलिक असद मौजूद हैं, राना असद मौजूद हैं। अभी शैसी का काम वगैरह करवाने के लिए आए हुए हैं। फिलहाल एग्जॉस्ट लगने लगा है भाई, एग्जॉस्ट लगाने की तैयारियां कर रहे हैं। जैसे ही लगेगा आपको इसकी आवाज़ भी सुनाते हैं। बाकी ओवरऑल शैसी का विजिट करवाता हूँ। ये इंजन शिंजन है और काम वगैरह हुआ भी है काफ़ी सारा इसका, और काफ़ी सारा होने वाला भी है। एग्जॉस्ट लगाने लगे हैं अपनी शैसी करोला के अंदर। दिखाते हैं आपको एग्जॉस्ट कौन सा वाला है। ये वाला एग्जॉस्ट है माशाल्लाह, अब लगेगा। बाकी इसकी आपको आवाज़ वगैरह भी सुनाएंगे, इंशाल्लाह चस्क रहेगा। बाकी उम्मीदें तो काफ़ी हैं, देखते हैं आगे क्या बनता है क्या नहीं। यार आप लोगों को एक मार्केट दिखाता हूँ जिसकी रेस होने वाली है अपने माशाल्लाह बंकर ग्रुप्स की गाड़ी है, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। दाना वली हसन की इसकी रेस होगी 14 अगस्त पे होगी शायद, तो रेहान शाह के साथ इसकी रेस होने वाली है। गाड़ी शाड़ी मॉडिफिकेशन के लिए आई हुई है, अब इसका काम वगैरह हो रहा है। जैसे ही काम वगैरह होता है तो आपको दिखाते हैं सारा कुछ। अंदर से भी गाड़ी दिखा देते हैं माशाल्लाह, ओवरऑल अच्छी गाड़ी। वो इसका जो स्ट्रोक वाला था वो तो बाहर आ चुका है। ये इसका स्ट्रोक वाला सिलेंसर और ये एक दोस्त जो अब डालने लगे हैं, बस थोड़ा ही टाइम है ये लग जाते हैं, तो उसके बाद आपको इसकी आवाज़ सुनाते हैं। A few moments later. गाड़ी गैराज पे खड़ी करके हम लोग आ गए मनोरंजन करने, थोड़ा सा चिप्स चिप्स खा के फिर दोबारा जाते हैं गाड़ी के पास, दिखाते हैं क्या हालात चल रहे हैं वहाँ पर भी। एक दोस्त लग जाएगा जाते तक इंशाल्लाह। लेंटर साहब थोड़ा सा बिजी हो गए थे इस वजह से हमने कहा चलो खा पी लेते हैं कुछ। खा पी के आ चुके हैं गैराज में वापस, एग्जॉस्ट फिट हो चुके हैं, आपको दिखाते हैं। ये चेक कर सकते हो फिट हो चुका है, लेकिन अभी गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई क्योंकि इसका गियर ऑयल निकाला हुआ है। जैसे गियर ऑयल डालते हैं तो इसको स्टार्ट वगैरह करते हैं, फिर आपको आवाज़ सुनाते हैं। यार हालत चेक कर सकते हो, पसीनो पसीने हो गए हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा थी, अंदर आके बैठ गए हैं। गाड़ी का काम शाम हो रहा है, माउंट शाउंड का काम हो रहा है, एग्जॉस्ट फिट हो गया, उसकी आवाज़ थोड़ी सी सुनी थी लेकिन अभी तसल्ली से आप लोगों को सुनाएंगे। जैसे उसका इंजन ऑयल वगैरह डलता है ना, डलता है गियर ऑयल, वो डलेगा तो फिर आपको आवाज़ सही तरह उसकी सुनाएंगे। अभी गर्मी में हमारे साथ भाई भी खा रहे हैं, मलिक असद भी, पसीना बहुत ज़्यादा यार देखो। तो अभी देखते हैं कब तक काम होता है, फिर आप लोगों को साथ साथ दिखाते हैं, इंशाल्लाह मज़ा आएगा। अभी फिलहाल मार्केट में आ चुके हैं डोर हैंडल लेने के लिए। गाड़ी के डोर हैंडल ख़राब थे, वो वाले नए लेने हैं, चार डोर हैंडल लेने हैं, वो लगाने हैं, फिर आगे आगे काम आपको दिखाते रहेंगे। यार गोडे छोटे ढूंढने के लिए गए हुए थे, गोडे ढूंढते ढूंढते हमारे गोडे रह गए हैं क्योंकि गोडे भी तक आ नहीं रहे। आधे घंटे तक भाई ने आना है गोडों वाले ने, और शाम हो चुकी है। फिलहाल रात तक अगर काम हो जाएगा तो ठीक है, वरना बात लैन जाना है तो लेके वापस आना है। हाँ जी, हमें जी लारा लगा के लाए हैं, असद भाई ने लारा लगाया, कहते हैं हमने सिर्फ जाना है गाड़ी लेके आ जानी है। अब यहाँ पे आए हैं तो पता चल रहा है जी गोडे भी अभी होने वाले हैं, माउंटिंग वगैरह का काम होने वाला है और भी काफी सारा काम है, तो रात हो सकती है। रात तो इतनी रह की गया, अब इंतजार ही कर रहे हैं कब तक गोडे आते हैं, फिर छिट होते हैं, फिर निकलते हैं घर की तरफ। वही गर्मा जी गोडा डिग डिग के गोडा आ ही गया आखिरकार, ये हमारा गोडा आ चुका है। अब ये गाड़ी के अंदर डलेगा, डाल के फिर इसकी फिटिंग वगैरह होगी तो गाड़ी चलने के काबिल हो जाएगी। दोनों गोडे मंगवाए हैं लेफ्ट राइट वाला, ठीक है। अब ये गोडे डलेंगे तो आगे देखते हैं क्या सीन पार्ट है, गाड़ी स्टार्ट होती है। माउंटिंग का भी काम है थोड़ा सा, वो भी होएगा। ये बस डाल दें भाई, डाल दें गुड्डा, जैसे ही डलता है फिर आगे गाड़ी स्टार्ट करते हैं। ये हसन भट्ट की होंडा EFX ट्यून्ड, माशाल्लाह काफ़ी मशहूर गाड़ी है। फिलहाल खड़ी हुई है वर्कशॉप के ऊपर, उसकी हालत ख़राब है, ऊपर कोई भाई पतीला रख गया है चाय शाय बनाने के लिए। बाकी माशाल्लाह प्यारी गाड़ी है ओवरऑल। इसके साथ और भी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं गैराज में, ये डाला शाला भी आया हुआ है और ये येलो वाली गाड़ी, तो माशाल्लाह क्या बात है, बहुत प्यारी गाड़ी है। अभी चलते हैं खैर अपनी गाड़ी की तरफ, वहाँ पे जाके देखते हैं हमारी गाड़ी का क्या क्या काम रह गया। एक और गाड़ी हमारे साथ मौजूद है BMW E30, ये भी तैयार शहर होने के लिए खड़ी, हालत इसकी फिलहाल ख़राब है। तो केड़ा इंजन बोस इन अंदर बीम्स, अब बीम्स को इंजन है भाई 2000 CC इंजन है बीम्स का, माशाल्लाह प्यारी गाड़ी है। ओवरऑल तैयार होएगी तो लुक इसकी भी निकल आएगी, लैटें चेक करो क्या बात माशाल्लाह। A few moments later. ये काम वगैरह अंदर हो रहा है, हमने सोचा पहले पेट पूजा कर लीजिए क्योंकि भूख शूख हमें लग गई थी, पहले भी खाई थी वो चिप्स वगैरह। तो अब हमें असद भाई ने कहा है कि जब वापस जाएंगे, वापस जाते हुए फिर आपको रोटी शोटी कराएंगे, उतनी देर हमने कहा चलो लेस जूस से गुजारा कर लेते हैं, थोड़ा बहुत काम रह गया वो होता है, तो चलते हैं घर की तरफ। जैसा कि देख रहे हैं आप पीछे पटाखा मारने लगे राम साहब, इसका दिमाग खराब हो चुका है। चलो
क्या बात क्या बात अवेला यार मौसम गाइस देखें पार्ट कर रख दिया मतलब इसका की हाल है इनका हाल है ये एस्ट्रा मतलब दिमाग होया पर खराब तू रोटी खवाएंदा है ये हाल है बड़ी अच्छी बात कही यार ठीक है यार ब्लॉग एंड करते हैं हम घर चल रहे डर गए यो डर गए गाड़ी का इंजन ऑयल निकाला हुआ था गियर ऑयल वो दोबारा वापस लेने लगा है अब डलेगा गाड़ी स्टार्ट होएगी बस फिर तू तू पापा होगी गाड़ी की हाँ सारा तू तू पापा आपको आवाज भी सुनाएंगे गाड़ी की बस ये तरीका है इंजन ऑयल डालने का ड्रिप लगी है गाड़ी को इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास कितने शानदार विचार रखते हैं जी बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह अलमाइटी जी एग्जॉस्ट भी इंस्टॉल हो गया गाड़ी भी स्टार्ट हो गई है असद रेस दे तो जी गाड़ी की टेस्ट ड्राइव लेने लगे हैं अभी इसका मांडा मार के चेक करते हैं क्या परफॉर्मेंस दे रही है एग्जॉस्ट वगैरह लग गया स्टार्ट भी हो गई है बस अब इसको चला के चेक करते हैं भाई बिस्मिल्लाह करो जी जी गाड़ी शड़ी हो चुकी है अब जाने का वक्त आ गया बस निकलने लगे हैं राणा से साहब गाड़ी लेके आगे चैसी हम अपना होंडा सिटी के अंदर हैं लेके जा रहे हैं वापस इस गाड़ी में पेट्रोल फिल करवाना है पेट्रोल वाली सुई जल गई है यू नो तो बस अब जाने लगे हैं घर की तरफ खाना शाना खाना है और तो जी गाड़ी का काम शाम हो गया पंप पे आ गए हैं रीफिल करवाने रीफ्यूल करवाने भारी मिस्टेक हो गया सर तो क्या कर सकते हैं लुक शुक माशाल्लाह अच्छी है अभी इसका कलर वगैरह भी चेंज करवाएंगे फिर और भी इसकी लुक इंक्रीज हो जाएगी मज़ा आएगा प्रोजेक्ट करने का पूरा प्रोजेक्ट करेंगे आप लोग भी देखते रहना इंशाल्लाह आप लोगों को भी मज़ा आएगा ए फ्यू मोमेंट्स लेटर इस वक्त आ चुके हैं वेफल्स पे खाना शाना खा के बैठ खड़े थे तो वेफल्स पे आ चुके हैं गाड़ी का काम शाम वगैरह हो गया सारा जो उसका रह गया वो अगले एपिसोड में आपको दिखाएंगे फिलहाल आज एग्जॉस्ट लग गया और जो थोड़ा बहुत काम आया था गोटे छोटे गाड़ी के डाल गए हैं बाकी अगला काम भी दिखाएंगे आपको अगले एपिसोड में देखते रहो और लाइक सब्सक्राइब वगैरह कर दो बाकी मिलते हैं बाद में बाकी आप लोगों को दोस्तों से मिलवा देते हैं अपना से यार